नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस संसार में धन प्राप्ति की इच्छा हर किसी की होती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। धन कमाने को लेकर हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई छल कपट से धन कमाता है तो कोई मेहनत से। हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, और पैसों की जितनी जरूरत एक गरीब को होती है उतनी ही अमीर व्यक्ति को भी होती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ अचूक उपाय लेकर आए हैं जिनको अगर सही तरीके से आपने कर लिया तो नहीं होगी धन की कमी, और इसके साथ साथ सुख समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये चीज आप अपनी नाभि में लगा लेते हैं तो इससे न सिर्फ धन वृद्धि बल्कि आपकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण होगी और धन प्राप्ति के अन्य रास्ते भी खुल जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब आर्थिक तंगी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस समय यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इन नियमों का पालन करता है या इन उपायों को कर लेता है तो आपके घर कभी आर्थिक तंगी दस्तक नहीं देगी। वास्तुशास्त्र की माने तो इन कार्यों को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और पैसों से जुड़ी परेशानी नहीं आती है, और जो भी आप पाना चाहते हैं उन सब की प्राप्ति आपको हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में गुरु की दिशा सही नहीं है, गुरु ग्रह खराब है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको बहुत कम समय में ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह शक्तिशाली होता है तो उसके जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है, साथ ही धन प्राप्ति के अन्य अवसर भी मिलते हैं और उसके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या नहीं रहती है। गुरु ग्रह मजबूत होने के कारण उसे हर कार्य में प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर गुरु ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस कारण बार बार असफल होते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर आपका भी गुरु ग्रह कमजोर है तो आप इस उपाय को करना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। अब करना यह है कि आपको सूखी हल्दी लेनी है और अपनी नाभि में तिलक लगाना शुरू कीजिए। नाभि के ऊपर हल्दी को इस प्रकार से लगाने से थोड़े ही समय में आपका ग्रह चमकने लगेगा और बहुत ही कम समय में आपको अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर इस उपाय को आप हर रोज करने लगोगे तो आर्थिक तंगी की समस्या नहीं रहेगी। वैसे भी गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है, इसके बदलाव होने से किस्मत भी चमकने लगेगी। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब चल रहा है तो उसके वैवाहिक जीवन में काफी मुश्किलें आती है। वैवाहिक जीवन दुख भरा बीतता है, यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी दोनों सुखी नहीं रहते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आपको करना यह है कि सुबह उठते ही नहा धोकर नाभि पर गुलाब या चंदन का इत्र लगाना शुरू कीजिए। हो सके तो मन में माँ दुर्गा का ध्यान करके इत्र लगाएं। ऐसा करने से आपका प्यार आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। जिनको वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है, विवाह नहीं हो रहा है या विवाह होने के बाद भी सुखी नहीं है तो आप हर रोज नहा धोकर चंदन का इत्र लगाएं। इससे आपके आसपास की ऊर्जा में बदलाव आएंगे और आप अपने आप में बदलाव महसूस करने लगोगे। अगर कोई इस उपाय को करता है तो उसका वैवाहिक जीवन तो सुखमय बनता ही है, इसके साथ साथ आर्थिक तंगी भी दूर होती है। बहुत ही प्रभावशाली है ये उपाय। दोस्तों, चंदन के इत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। यदि कोई व्यक्ति चंदन का इत्र लगाकर अपनी आंखें बंद करके मन की कामना करता है या किसी को पाने की इच्छा रखता है तो सामने वाला उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। दोस्तों,
इत्र का प्रयोग करते समय ध्यान रखना इत्र एकदम शुद्ध हो। मिलावटी इत्र आप बाजार से न लाएं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। हर कोई व्यक्ति कुछ सोचता रहता है, पर पॉजिटिव सोच हर किसी की नहीं होती है, क्योंकि सारे दिन अगर किसी व्यक्ति के मन में विचार आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, वो हर तरह के उल्टे सीधे विचार आते हैं। वही अगर आप चंदन का इत्र हर रोज लगाना शुरू करते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा में बदलाव आएगा और आपके मन में अच्छे विचारों का समावेश होगा। बगैर मेहनत के ही आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात यह है, आप नहा धोकर ही चंदन का इत्र लगाएं। चंदन का इत्र अगर नहीं मिल पाता है तो चंदन का पेस्ट भी आप अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। दोस्तों, आपके भी जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो आप इस उपाय को जरूर करना, बहुत जल्द आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।